बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी 2021 और पीर का रोज़। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की अमेरिका हवालगी के हवाले से दरख्वास्त पर बरतानवी अदालत ने एक तहलका खेज फैसला सुना दिया है। तफसीलात के मुताबिक लंदन ओल्ड बेली की अदालत ने अमेरिका के विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की हवालगी के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके बाद अदालत के बाहर मौजूद जूलियन असांज के हामियों की तरफ से जश्न मनाया गया है। अदालत ने करार दिया है कि जूलियन असांज की दिमागी सेहत इस काबिल नहीं है कि उन्हें अमेरिका के हवाले किया जाए। तफसीलात के मुताबिक विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने 7 बरस लंदन में एक्वाडोर के सफारतखाने में बतौर सियासी पनाह गुजीन के गुजारे और अमेरिका ने उनकी हवालगी के लिए बरतानवी अदालत में दायर दरख्वास्त पर 2007 के बाद वार क्राइम्स की तफसीलात छापने, जासूसी और हैकिंग समेत मुख्तलिफ किस्म के 18 इल्जामात आयद किए थे। जूलियन असांज की अमेरिका सपुर्दगी पर उन्हें 175 साल कैद की सजा मुतवक्के थी। निजी टीवी चैनल के मुताबिक अदालत की तरफ से अमेरिकी रिक्वेस्ट ब्लॉक होने पर ओल्ड बेली की अदालत के बाहर जूलियन असांज के हमायत में पियर कॉर्बन के अलावा बड़ी तादाद में मौजूद हमायत करने वालों ने जश्न मनाया है। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में ये करार दिया है कि जूलियन असांज ने 8 साल असीरी की ज़िंदगी गुजारी है, लिहाजा पिछले हफ्ते अदालत को बताया गया कि उन्हें विटामिन डी भी नहीं मिल पाया। वो जिस तरह के हालात में रहे हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अलेक्जेंड्रिया में स्क्रूटनी के हालात से गुजर सकें। अमेरिका का दावा है कि उसने कानून को तोड़ा और ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। जूलियन असांज ने हवालगी की जंग लड़ी है और उनका कहना है कि ये मामला सियासी तौर पर मुहर्रिक है, मुझे फौरन तहफ़ दिया जाए। बरतानवी अदालत के इस फैसले को तारीखी रूलिंग करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका और बरतानिया के दरमियान मुआहिदा मौजूद है। यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मुआहिदों की वजह से जूलियन असांज को अमेरिका के सपुर्द कर दिया जाएगा, लेकिन अदालत ने करार दिया है कि तमाम हकाइक का जायज़ा लिया जाए तो उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जूलियन असांज को अमेरिका नहीं भेजा जा सकता। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अब इस फैसले के बारे में अपील करेंगे। ये थी बरतानिया से लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई नई खबर आती है आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।